ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ट्राई करें 9453724198 या 9450118255। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जनपद में पिछले कई दिनों से हुई लगातार बारिश से शहर के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कुलघाट क्षेत्र में लगभग बाढ़ जैसी स्थिति है। यहां पानी की समुचित निकासी न होने के कारण तमाम घरों में नाले का पानी घुस गया है, रास्ते पूरी तरह से डूब गए हैं। तो वहीं नदी किनारे बसे कई घर भी जलमग्न हो चुके हैं। तमसा के जल स्तर में वृद्धि को लेकर लोग चिंतित हैं। उनका कहना था कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो 2005 जैसी बाढ़ की चपेट में पूरा जनपद एक बार फिर आ जाएगा। नदी किनारे बने घरों के लोग अब पलायन के बारे में भी सोचने लगे हैं। फिलहाल तमसा में जल दिखना भी एक सुखद एहसास करा रहा है। अभी नदी की ओवरफ्लो जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन बारिश नहीं रुकी तो नदी ओवरफ्लो की ओर अग्रसर होने का मूड पूरा बना चुकी है। अभी तो लग रहा है बाढ़ आएगा और हमारे घर में भी पानी आ चुका है। अजय ये हो गया 6 दिन हो गया, 6 दिन से बारिश हो रही है। लगता है कैसे कि मतलब कि अगर आगे बारिश होगी तो फिर बाढ़ आने का संभव है। सर तो हमारी घर डूब चुकी है। डर लग रहा है? हाँ बाढ़ आएगी। डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर लग रही है। अभी हम लोग तो बाढ़ नहीं आए। इस तरह अगर रहेगा तो बारिश आना ही आना है, बाढ़ आएगा ही आ रहे। इस समय हम लोग का बहुत खराब स्थिति, हम लोग आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी गर्म? हाँ गर्म में पानी आ गया है। नदी तो बढ़ गई है पूरी। अगर इस तरह बारिश होती है क्या होगा? बहुत तबाही मच जाएगा। इन सबको लिए सरकार के लिए कुछ करना चाहिए। क्या कर जाए? नदी कैसे थी इसमें? नदियों पूरा फुल भइल है। अगर इतनी बारिश होत रही तो क्या होगा? क्या हो जाए? तब घर में से निकल जाए, जाए कहीं किराया पर रह जाए। हाँ हाँ क्या हो जाए तब? कहीं किराया पर रह जाए, क्या कर जाए? स्थिति ये है कि बहुत खराब है, क्योंकि उधर महिंद्रा वाला पुल बांध दिया है, इधर बंधा के साइड में वो जब पुल बन रहा था वो मट्टी पाट गया है, कंकड़ पत्थर सब सीमेंट सब पट गया है। अब बीच में जो पोर्शन है सब डूबा हुआ है। अभी भी निकलने की जगह है, पानी जितना अधिक गिरेगा और भी पोजीशन यहाँ का खराब होगा। ये घर डूबने का डर है। नदी का स्तर क्या हो रहा है इसमें? नदी का पोजीशन, नदी तो बढ़ ही रही है। नदी का पानी आएगा तो वही उन लोगों का जो पाटे हैं घेराव किए हैं वो रोकेगा, और रोकेगा तो रुक सकता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो और डूब जाएगा इधर। कहेंगे पुल से जो पुलिया से पानी हर बार नदी का पानी इधर पुलिया से क्रॉस करके चल जाता रहा नदी में उस पोर्शन में। अब जो ये बना है पुल उसमें खुद इतना
ये हो गया है, ऊंचा हो गया है कि वो पानी पुल से पार नहीं करेगा। डर लग रहा है आने वाले समय में? बिल्कुल डर रहा है, 100% डर लग रहा है कि बाढ़ कभी भी आ सकती है। आजमगढ़ के दीवानी कचहरी में फर्जी और अधिक कीमत पर स्टाम्प बेचने की शिकायत पर गुरुवार को जिला प्रशासन ने कचहरी में छापा मारा। एसडीएम सदर प्रशांत कुमार नायक, सीओसीटी ईला मारन और सहायक आयुक्त स्टाम्प राजेंद्र सिंह की संयुक्त छापेमारी के दौरान स्टाम्प विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी की भनक लगते ही कुछ स्टाम्प विक्रेता तालाबंद कर भाग खड़े हुए। एसडीएम सदर ने बताया कि जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह को शिकायत मिल रही थी कि कचहरी में जाली स्टाम्प और रसीदी टिकट बेचे जा रहे हैं। शिकायत के बाद डीएम ने छापेमारी के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि करीब एक दर्जन स्टाम्प वेंडरों के यहां छापेमारी की गई, उनके स्टाम्प स्टॉक रजिस्टर और लाइसेंस की जाँच की गई। हम लोगों को कई बार शिकायतें मिली थी कि फर्जी स्टैंप और बिना लाइसेंस के कई वेंडर जो है स्टैंप की बिक्री कर रहे हैं कलेक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो उसी के संबंध में जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज मेरे द्वारा, सीओसीटी जो हैं आईपीएस ईला मारन जी द्वारा और एआईजी स्टैंप के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। उसमें हम लोगों को कई ऐसे वेंडर निकले जिनके पास लाइसेंस नहीं था, फोटोकॉपी रखे थे वो लाइसेंस का। अब वो जांच का विषय है कि ये उन्हीं के नाम है कि नहीं है। और कई स्टैंप हमको मिले जिस पे आईजी स्टैंप ने अपने दस्तखत कर दिए हैं कि आगे की जांच के लिए इसको भेजा जाएगा कि ये असली है कि नकली है। लगभग हमको बारिश था चुकी तो इसलिए काफ़ी कम संख्या थी, लेकिन 10-12 लोगों के यहाँ हम लोगों ने आकस्मिक छापेमारी की है। लाइसेंस वाइसेंस उनका देखा है, स्टैंप देखे हैं, बाकी कल उनको फिर बुलाया गया है जिनके पास फोटोकॉपी है कि जिनके नाम लाइसेंस है वो ओरिजिनल कॉपी लेके आईजी स्टैंप साहब के पास आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये कार्रवाई रेगुलर चलेगी। जैसे जैसे हमको शिकायतें मिलती हैं उसके खिलाफ तो करते हैं, लेकिन इसको हमने अपने एक जो टू डू लिस्ट है उसमें भी डाला है फर्जी स्टैंप के खिलाफ अभियान में, तो ये कार्रवाई रेगुलर चलती रहेगी। सहायक आयुक्त स्टाम्प राजेंद्र सिंह ने बताया कि स्टाम्प और लाइसेंस की जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर स्टाम्प विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कतिपय शिकायतें आ रही थीं कि दीवानी न्यायालय में कुछ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जाली फर्जी स्टैम्प या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प रसीदी टिकट आदि का विक्रय किया जा रहा है। इस हेतु कलेक्टर आजमगढ़ द्वारा लाइसेंस निर्गत किए जाते हैं। लाइसेंसी स्टैम्प वेंडर ही रसीदी टिकट और स्टाम्प आदि का विक्रय कर सकते हैं। तो इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हम लोगों ने इस लिए ये छापामारी की कार्यवाही माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार की है कि यदि जनपद आजमगढ़ में फर्जी स्टैम्प प्रयुक्त हो रहे हैं तो उन पर रोकथाम लगे। करीब करीब 11-12 स्टैम्प वेंडर्स की विस्तृत और गहन जांच की गई और उनके यहाँ से नमूने के तौर पर स्टैम्प पेपर्स, रसीदी टिकट, उनका स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस आदि की कापी लेकर कार्यालय में भी मंगाया गया, वहाँ पर भी देखा गया है। 10-12 स्टैम्प वेंडर्स की जांच की गई। जिन स्टैम्प पेपर्स को लिया गया है अगर उनका परीक्षण कोषागार आजमगढ़ से कराया जाएगा, यदि वो स्टैम्प फर्जी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस निरस्तीकरण का भी काम किया जाएगा। नगर पालिका ने बरसों पहले सफाई कर्मचारियों के लिए आवास तो बनवा दिए थे, लेकिन पालिका इन आवासों की सुध लेना भूल गई। उदासीनता के चलते आवास जर्जर हालत में पहुंच गए हैं जो कभी भी ढह सकते हैं। कुछ कर्मचारियों ने आवासों पर ताला जड़कर नया ठिकाना चुन लिया है, वहीं कई लोग जर्जर हो चुकी छतों पर
टीन, छप्पड़ व पालथीन डालकर किसी तरह डर के साये में यहां अपना जीवन यापन अब भी कर रहे हैं। शहर क्षेत्र में नगर पालिका के सफाई कर्मियों के लिए 1985 में बाज बहादुर मोहल्ले में सरकारी आवास बने। यह आवास किस कर्मचारी को आवंटित किए गए थे और वर्तमान में यहाँ कौन निवास कर रहा है, इसकी विभाग ने वर्षों से सुध तक नहीं ली है। यह आवास धीरे धीरे इतिहास बनते जा रहे हैं। इन आवासों में रहने वाले कर्मचारी बताते हैं कि पिछले 3 दशक से किसी अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने आवासों की बदहाली की ओर अपनी नज़र नहीं डाली। जो कर्मचारी आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, उन्होंने इनकी मरम्मत खुद ही करा ली है और बरसात के पानी व धूप से बचने के लिए टीन सेट लगवा ली है। लेकिन कई कर्मचारी ऐसे हैं जो बरसों पॉलिथीन डालकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कॉलोनी इतनी खस्ता हाल में है कि नीचे लोग रहते हैं, ऊपर टपक रहा है। ऊपर जो लोग रहते थे कुछ खाली करके आए, किसी वक्त भी हादसा हो सकता है, किसी वक्त भी किसी की जान जा सकती है, वो बिल्कुल ढह जाएगा। इसलिए उसको बनवाने की कोशिश करना चाहिए, उसी लिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कॉलोनी है, उस कॉलोनी में स्वीपर्स ही रहते हैं और सब बहुत गरीबी की हालत में हैं और बहुत ख़राब हाल है। कुछ रिटायर हो गए हैं वो भी रहते हैं। उस बिल्डिंग, उस स्वीपर कॉलोनी के गिरने से आसपास के जो मकान हैं उस पर भी असर पड़ेगा, डैमेज होगा। जितने लोग हैं वहाँ, यही चाहते हैं कि वहाँ की आवाम, वहाँ का पड़ोस, वहाँ का मुकामी ये चाहता है कि उसको असर नौ यानी बुनियाद से ही नई तामीर कर दी जाए और नया बनवा दिया जाए। नगर पालिका में 25 बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है, गिरीश के ज़माने से कितने सर्वे हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका की शुरू से यह जिम्मेदारी रही है कि नागरिकों के लिए शौचालय की व्यवस्था कराए, लेकिन नगर पालिका द्वारा बनाए गए इन आवासों में शौचालयों का निर्माण कराने में तत्कालीन नगर पालिका अधिकारियों ने अनदेखी दिखाई। आवासों में शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। कुछ लोगों ने अपनी व अपने परिवार के लिए शौचालय का निर्माण करा लिया है, लेकिन गरीब व असमर्थ परिवार आज भी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर हैं। दशकों से पालिका प्रशासन ने इन आवासों की सुध नहीं ली है। स्वीपर कॉलोनी में रहने वाले चाहते हैं कि जर्जर हो चुकी कॉलोनी की मरम्मत या पुनर्निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। स्वीपर कॉलोनी जो है उसकी मरम्मत करवाई जाए कायदे से, या तो 9:30 से उसको बनवाया जाए तोड़वा कर, और एकदम जर्जर हो गया है, तमाम पानियाँ चू रहे हैं मकानों में जी, उसको बनवा कर सही किया जाए। बारिश की स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, मगर वो एकदम जर्जर हो गया है, कभी भी वो गिर सकता है और जो भी लोग उसमें रहते हैं उनके लिए खतरा हो सकता है। उसमें वही कर्मचारी रहते हैं नगर पालिका के जी, सुपर कॉलोनी के में जो रहते हैं वो नगर पालिका कर्मचारी हैं वो। भारी बारिश के बीच अस्त व्यस्त हुए जनजीवन को बिजली की आंख मिचौली ने भी काफ़ी त्रस्त कर रखा है। पटरी से उतरी विद्युत व्यवस्था पिछले 4-5 दिनों से पटरी पर लौटने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते शहर के लगभग सभी इलाके रात भर अंधेरे में रह रहे। बिजली की दयनीय स्थिति से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बिजली की व्यवस्था जो है काफ़ी दयनीय है, जो आज से 3-4 महीने पहले हुआ करती थी, इस वक्त स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और जब से बारिश हो रही है तब से बिजली तो समझ लिए आ ही नहीं रही है, बस आ रही जा रही यही लगा हुआ है। अब विभाग क्या कर रहा है, अब वो किस संज्ञान कुछ ले ही नहीं रहा है। रात में क्या, पिछले 2 दिन से लाइट थी ही नहीं, आ रही थी जा रही थी यही हो रहा था। क्या दिक्कत हो रही है लाइट में? बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही लाइट। क्या दिक्कत हो रही है पानी की? भाई अब लाइट नहीं रहेगी उसकी वजह से पानी नहीं मिलता है। अब इस वक्त बरसात का मौसम है, बिजली व्यवस्था सही होनी चाहिए, कीड़े मकोड़े आए दिन निकल रहे हैं। पूरे दिन बमुश्किल 2-3 घंटों की सप्लाई हो पाने से लोगों की दिनचर्या कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। इन दिनों बिजली का कोई भरोसा नहीं रह गया है कि कब आएगी और कब जाएगी। ऊपर से कभी लो तो कभी हाई वोल्टेज की समस्या से लोगों के घरेलू उपकरण भी जवाब दिए जा रहे। विभागीय अधिकारी घंटे 2 घंटे में विद्युत व्यवस्था के सही होने की बात कर रहे हैं और उनके ये घंटे 2 घंटे दिनों में तब्दील होते जा रहे हैं। बिजली व्यवस्था यही है, बारिश की वजह से है, दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें जो है बारिश की वजह से ही हो रही हैं और कोई इसमें नहीं आती भी है, उसका कोई भरोसा नहीं है कब आएगी कब जाएगी।
लेकिन फिर भी मौसम के हिसाब से बारिश बिजली ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कटौती क्या स्थिति है इसमें, मतलब बिजली का क्या, रात भर रहना या दिन भर रहना या? नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी रात नहीं रहती है, कभी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत दिक्कत होती है पानी की, हर चीज़ की, लाइट की दिक्कत होती है। बिना लाइट के कोई, अब आदमी ढल चुका है उसमें, तो बिना लाइट के अब कोई रह भी नहीं पाएगा। पिछले 6-7 दिनों से आजमगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने नगरपालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। नगरपालिका प्रशासन सोता रहा और इधर नाला जाम होने से बारिश के कहर से शहर के मातवरगंज मोहल्ले में लोगों के घरों में घुटने बराबर पानी लग गया, आवागमन बाधित हो गया। घरों के अंदर पानी लगने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस नारकी जीवन से राहत पाने के लिए स्थानीय निवासियों ने सभासद रईस अहमद के नेतृत्व में गुरुवार को जिलाधिकारी से फरियाद लगाई। मातवरगंज वासियों का कहना है कि लालडिग्गी से बवाली मोड़ तक जाने वाले नाले में कई मोहल्लों का पानी जाता है, लेकिन कई जगह अतिक्रमण होने से नाले का पानी रास्ते में रुका हुआ है। जल निकासी न होने से बारिश का पानी लोगों के घरों में लग रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी नगरपालिका के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। मांग किया कि नाले की सफाई कराई जाए और अतिक्रमण हटाया जाए। हमेशा उठाता हूं, मगर वही है, ठंडे बक्से में चला जाता है, इसलिए कि अच्छे अच्छे लोग जो अपने को जनाते हैं वो लोग तो अतिक्रमण किए हैं, शासन प्रशासन उनके हाथ में रहते हैं, तो कौन भाई बोलेगा उसको, बताइए आप ही। समस्या यही है कि जो नाले हमारा है टोटल अतिक्रमण किया है, यहाँ से लेकर बवाली मोड़ तक अब पानी निकल ही नहीं पा रहा है, नाला को नाली बना दिए हैं लोग, यही समस्या है भाई। समस्या क्या है, जेसीबी घुस नहीं पाती है। हाँ हाँ, हमेशा कहता हूँ, अभी परसों में ईओ साहब से कहा हूँ, नए ईओ साहब कहें कि मैं ठीक है जा रहा हूँ लखनऊ मीटिंग में, 2 दिन बाद आता हूँ, आपको घूम के देख ले रहा हूँ क्या दिक्कतें हैं, तब तक रात। हाँ हाँ, वहाँ पे बड़ी समस्या है कि हाँ, कोड़ी बस्ती के पुलिये के पास रहने वाला हूँ, और दिक्कत ये है कि वहाँ पे तमाम अतिक्रमण भी हैं, अतिक्रमण के साथ साथ पानी बहुत ज़्यादा है जिसका निकास नहीं हो पा रहा है, मोहल्ले वाले गंदगी में डूबे हुए हैं, घरों में पानी चले गए हैं, कहने पे कोई सुनवाई नहीं है। कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग यही चाहते हैं कि गंदगी से मुक्त हो जाएं, अतिक्रमण दूर हो जाए। हम लोग मातवरगंज सूरज टाकीज के सामने बांध के नीचे के निवासी हैं, जो कोड़ी बस्ती के पास का मोहल्ला है, वहाँ हमारे पीछे से होकर के एक नाला जाता है जो लालडिग्गी से होकर के बवाली मोड़ तक जाता है। इस नाले का जगह जगह अतिक्रमण कर दिया गया है जिससे रास्ते का पानी निकल नहीं पा रहा है, और सारा गंदा पानी नाले का जो है लोगों के घरों में घुस चुका है। नगर पालिका प्रशासन कभी नाले की सफाई नहीं करवाया आज तक, और बार बार उनसे अनुरोध किया गया लेकिन वो लोग चिर निद्रा में सोए हुए हैं। अंत में आज हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, अपनी समस्या उनके सामने रखा गया है, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी तत्काल में कोई समाधान करने की व्यवस्था आपकी करते हैं, बाकी जो विगत वर्षों से समस्याएं चली आ रही हैं, अतिक्रमण जगह जगह लोगों ने किया है, उसके बारे में वो अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग फिलहाल में तो तुरंत चाहते हैं कि सामान्य जनजीवन सामान्य हो जाए, सबके घरों में जो पानी नाले का गंदा पानी घुसा हुआ है, बच्चों का स्कूल आना जाना सब कुछ अव्यवस्थित हो चुका है, सारी ज़िंदगी लोगों की एकदम से रुक सी गई है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, वो जनमानस आम सामान्य जीवन व्यतीत करे, पहली तो हम लोगों की मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि नाला पक्का बन जाए, क्योंकि पूरे शहर का पानी इस नाले में आ रहा है, जो पुराना आजमगढ़ है, कटरा, बदरका, सब्जी मंडी, चौक एरिया का सारा पानी लालडिग्गी में आता है, और लालडिग्गी से कोलघाट होते हुए इस नाले के माध्यम से रोडवेज पे वो चैनल के द्वारा नदी में जा रहा है, और इसी पूरे नाले का जो एरिया है वह पैमाइश करा दिया जाए तो सबसे बड़ी समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितना उसका ओरिजिनल एरिया है नाले का कागज़ में वह कहीं भी मौके पर मौजूद नहीं है।
जगह जगह छोटे से बड़ा आदमी हर आदमी अतिक्रमण किया हुआ है। प्रशासन को एक बार उसकी पैमाइश करा के नाले को एक बार पूरा यहाँ से वहाँ तक सिर्फ खुदवा के साफ करवा दे कि नाला अपनी ओरिजिनल पोजिशन में क्या है। बनना बनाना तो बाद की बात है, अपने आप नाला बहने लगेगा। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार व समन्वयक स्थायी समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति, ऋण जमानुपात निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में बैंकों का सीडी रेशियो 17% है। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपना सीडी रेशियो 40% करें, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित बैंकों के जीडी रेशियो की समीक्षा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस ब्रांच की सीडी रेशियो 40% से कम है, इसका मतलब उस बैंक की प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह की महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराएं, इसी के साथ ही साथ शिक्षित बेरोजगारों को स्टैंड अप, स्टार्टअप, मुद्रा लोन योजना आदि से जोड़कर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने LDO को निर्देश दिए कि बैंकों के परफॉर्मेंस इंडिकेटर जुलाई के अंत तक बनाकर उपलब्ध कराएं तथा इसको सभी बैंकों के ब्रांचों को भी उपलब्ध कराएं। DM ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्रांच इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA के छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराए। जानकारी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड को खोलने में सभी बैंक सहयोग करें। जानकारी ने LDM UBI को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्मॉल वेंडरों को जोड़ें, उसमें बैंक मित्रों का भी सहयोग लें।